चलो अभी फील नहीं आ रही भाई, फील आएगी जब इसके DRL ऑन करेंगे। ओके यहाँ पर कर दिए इसके DRL ऑन, लेते हैं भाई बढ़िया वाली फीलिंग। तो राम राम भाइयों, कैसे हो आप सभी? चलो अभी फील नहीं आ रही भाई, फील आएगी जब इसके DRL ऑन करेंगे। ओके यहाँ पर कर दिए इसके DRL ऑन, लेते हैं भाई बढ़िया वाली फीलिंग। तो बात करें इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट में अपने को सबसे पहले देखने को मिल जाता है लोगो। हाँ एक बात बताता हूँ, यह है ग्रैंड i10 नियोस का फेस लिफ्टेड वेरिएंट और एस्टा मॉडल है इसका, ठीक है। और फेस लिफ्टेड कुछ सेप में आगे जैसे फेंडर चेंज कर दिया, ग्रिल चेंज कर दी, और तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वो आपको बस डिज़ाइन लेवल पे कुछ दिखा रहे हैं, तो उस तरीके से आपको बता देता हूँ भाई। और सबसे पहले देखने में जाते हैं इसका लोगो, और नीचे एक बड़ी सी ग्रिल, और ये चिड़िया टाइप वाले इसके DRLs देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से लगता है कि बस लेफ्ट टू राइट जा रही है, इस साइड देखने को मिल जाता है राइट टू लेफ्ट जा रही है, ठीक है। ये उस यहाँ ट्राई टाइप में, और यहाँ एक हनीकॉम पैटर्न सा दिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। यहाँ वेंट्स दिए हुए हैं, और लोगो अपने को मिल जाता है भाई, 2D वाला लोगो मिल जाता है सिल्वर फिनिश के अंदर। पहले क्या होता था यहाँ पे 3D टाइप से कुछ लगता था भाई, हाँ थोड़ा उठा लग रहा था, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ मिल जाता था पहले बढ़िया। और ये इसके हेडलैम्प्स अपने को हेलोजन में मिल जाते हैं नॉर्मल बल्ब टाइप के, और यहाँ अपने को इंटरकेटेड रिप्लेसमेंट, और इसके DRLs। और साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड में अपने को देखने को मिल जाता भाई फेंडर पे इंडिकेटर, स्टील रिम्स, और 15 इंच के टायर्स, और बॉडी कलर डोर हैंडल, बॉडी कलर अपने को ORVM देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ अपने को ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है, और ए पिलर बी पिलर सी पिलर सभी के सभी पिलर इसमें बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं। और रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है कि इंसर्ट करने को मिल जाता है। और बात करें इसके रियर प्रोफाइल की, तो रियर में कुछ नई शेप वाले इसके ऐसे टेल लैंप्स अपने को देखने को मिल जाते हैं, और ये ऑलवेज ऑन रहता है, ये ब्रेक पे रहता है, ठीक है, ये ब्रेक पे रहता है, और ये अपने को इंडिकेटर, और ये अपने को रिवर्स पे रहता है। और बात करें इसके रियर में, तो रियर में अपने को बैजिंग्स यहाँ अपने को वो भी सिल्वर फिनिश में 2D वाली, ग्रैंड i10 लिखा हुआ, नियोस लिखा हुआ है, और हुंडई की बैजिंग, दो पार्किंग के यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ अपने को रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इस साइड अपने को फ्यूल फिलर कैप, और यहाँ अपने को ग्रैंड i10 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बस यहाँ से सारा मामला बार बार का भाई सारा हो चुका है। चलते हैं गाड़ी के अंदर, चलिए गाड़ी का डोर ओपन करते हैं और देखते हैं। तो इस तरीके से डोर ओपन करते हैं, तो भाई डोर में अपने को सबसे पहले देखने को मिल जाता है क्या, ड्यूल टोन में इसका इंटीरियर देखने को मिलता है। ये गत्ता है जो भी ड्यूल टोन में देखने को मिल जाता है। यहाँ अपने को डोर हैंडल, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स, हैंडल और स्पीकर ग्रिल, बोतल होल्डर और पॉकेट देखने को मिल जाती है, ठीक है। सीट्स की बात करें तो सीट अपने को भाई कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है, फिक्स हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इनकी कुशनिंग थोड़ी यार कम है, स्पोर्ट्स वेरिएंट से थोड़ी सी कम लग रही है इनकी कुशनिंग, ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही। और यहाँ अपने को वो मिल जाता है पेट्रोल लीड ओपन करने के लिए। चलते हैं गाड़ी के अंदर, बैठते हैं अंदर, बैठते हैं। तो ज़्यादा कोई चेंज नहीं है अंदर से, तो वही नॉर्मल वाला सब कुछ दिखता है भाई। और की बात करूँ तो कुछ इस तरीके के अपने को की देखने को मिल जाती है। ये एक तो नॉर्मल की देखने को मिल जाती है, दूसरी अपने को रिमोट वाली की देखने को मिल जाती है, लॉक अनलॉक होल्ड पे बूट रही। चलिए की इंसर्ट करते हैं और इग्निशन ऑन करके देखते हैं भाई क्या सीन है। यहाँ भी क्या है अपने को क्लस्टर में थोड़ा चेंज देखने को मिल जाता है। और बात करें इसके स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग में अपने को थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है ये लोगो जो है ना, स्टेयरिंग अपने को देखने को मिल जाता है भाई लोगो, वो भी सिल्वर में है बट थोड़ा ब्लैक सा लग रहा है। यहाँ अपने को म्यूजिक के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ अपने को क्लस्टर में MID के चेंजेस के लिए कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, और कुछ इस तरीके का अपने को टेकोमीटर स्पीडोमीटर, यहाँ अपने को MID और
कुछ इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं। ये ट्यूडिन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। और बात करें इसके एसी के इवेंट्स कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। और ये पियानो ब्लैक में इसमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ये मैनुअल एसी और टाइप सी यूएसबी और स्टोरेज, और ये 5-speed मैनुअल गर बॉक्स नॉर्मल। ये अपने को 2 cup होल्डर देखने को मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक, और ग्लव बॉक्स का डिसेंट साइज देखने को मिल जाता है। IRVM की बात करें तो IRVM अपने को भाई देखने को मिल जाता है मैनुअल ही। यहाँ अपने को माइक की प्लेसमेंट, और यहाँ अपने को टिकट होल्डर, और यहाँ अपने को मिरर देखने को मिल जाता है, और यहाँ एयरबैग की बेजिंग, और वहाँ भी अपने को एयरबैग की बेजिंग देखने को मिल जाती है। जो लेफ्ट राइट वाले इसके एसी के वेंट्स है ना, वो काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं। और यहाँ अपने को सिर्फ हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाता है। ये वाइपर के कंट्रोल्स, हेडलाइट के कंट्रोल्स, चलिए सेकंड रो में। सेकंड रो के डोर की बात करें तो यहाँ अपने को इसके विंडो कंट्रोल्स, ये हैंडल, और यहाँ अपने को स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। नी रूम काफ़ी अच्छा है, हेड रूम काफ़ी अच्छा है, और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, और रियर में भी एसी के वेंट्स दे रखे हैं अपने को, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसमें भी हम्प थोड़ा उठा हुआ लग रहा है, और फिक्स हेडरेस्ट दिए हुए हैं चारों सीट्स में, और फिफ्थ वाले पैसेंजर के लिए अपने को हेडरेस्ट नहीं देखने को मिलता, और पीछे को दिखाने के लिए कुछ नहीं है इतना, और इनकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है सीट्स की, वो बैठने से काफ़ी अच्छा पता लग रहा है। चलते हैं बूट पे, तो बूट ओपन करते हैं भाई। वाह, ये अच्छी बात है, यहाँ भी अपने सेंसर दिया हुआ है, और बूट लैंप नहीं देखने को मिलता, नॉर्मल ही अपने को बूट स्पेस देखने को, बूट स्पेस अपने को नॉर्मल ही देखने को मिल जाता है। चलिए जी,